कि चाप सिंह के किस्से से है कि जिसमें सरदार चाप सिंह की और शेख खां पठान की दोनों की जानों माल की बाजी लग जाती और उसने एक हफ्ते का समय मांगा था और कुछ इनाम देने की भी बात आई, साझा ने हुक्म दे दिया था दोनों साथ शर्त में हार जाएगा उसको सजाए मौत फांसी होगी। अब मारा मारा हंडे शेर खां पठान बताते हैं कि चलते चलते कहाँ के शहर में एक तारा नाम की दूती थी, उसके पास गया, रात का समय था और वो नीचे खड़ा खड़ा जोर जोर से हक मारा, आवाज लगावे है कोई यहाँ, है कोई यहाँ। बहुत देर के बाद वह तारा दूती जो ऊपर से झाँक के देखा ने बोला जरा दरवाजा खोल के बात करना। ने बोली तुझे मालूम है कि रात का समय तू सरकारी मुलजिम मारा जाएगा, चला जाए यहाँ से। ने बोला मैं जरूरी काम आया हूँ आपसे। क्या बात है, क्या बताया मारी को मा गए पर भी ने कहे जोटे ने डेटी है चौबारे वाली, जोटे ने कहेंगे डेटी है चौबारे वाली। क्या कहता है वो शेर खां पठान, ये भाई ना जिनकी फरमाश थी राजनी की 100 रुपए से हौसला अफजाई करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। ये भाई अनिल जी, ये दोनों ये भाई हैं और लड़के के दादाजी, ये 100-100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान हौसला अफजाई करते रहता है नाम पहले, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। Thank you.
100 रुपए और जी साहब भाई इनकी बहू की बुआ थी लक्ष्मी है ना, नहीं है ना, और उनके पोते की खुशी में 100 रुपए और पार्टी को हौसला अफजाई के लिए इतनी बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। ये खेड़ी गांव से हमारे मित्र मेरे बहुत पुराने साथी हैं मास्टर सुरेंद्र सिंह जी, ये काफी नाम पहले 200 रुपये से और पार्टी का हौसला अफजाई करते हैं, मान सम्मान करते हैं, मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। छतरानी आई हुई बतलाते हैं कि हाँ है कौन के सरदार चाप सिंह की छतरानी सौमती न बोला उसने कहते मेरे पास लिया न मेरे को वहां तक ले चल न बोली राम 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 मारा दादा किसका नाम लेता है तुझे मालूम है केवल राजपूत है अगर महल पर का पक्षी चलेगा तो उनके भी पंख जड़ जाते हैं और हम तो इंसान है वहां तक जाने की मेरी हिम्मत नहीं है वापिस चलेगा बोला काम तो करना पड़ेगा तो बताइए एड्रेस उसका पता बताइए क्या